आज की रेसिपी बनाते हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल के लिए जैसे 3 चम्मच ऑयल रखा है कढ़ाई में। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें ये लहसुन काट रखा है, ये डालेंगे। लहसुन को बारीक काट लिया है, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं 1 चम्मच। और 1 चम्मच अदरक को भी ग्रेट कर लिया, ये भी डाल देते हैं। और इसमें हरी मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची। सभी को हल्का सा भून लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसमें प्याज डाल देंगे, 2 प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कटा हुआ है, ये भी डाल देते हैं। और सब्जियों को कच्चा पक्का रखना है, ये आधा पत्ता गोभी लिया था, ये भी डाल देते हैं। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, अपने मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं। और ये सोया चंक्स है, इसको भिगो के रख दिया था, उसके बाद इस तरह से काट लिया है। सोया चंक्स काफ़ी हेल्दी होता है, ये डालने से बहुत ही टेस्टी ये बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सब्जियों को हल्का सोटे करना है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालते हैं। और ये चौमिन मसाला है, 1 चम्मच डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये थोड़ा सा मैगी मसाला डालते हैं। अरे अजीनोमोटो है। एक चम्मच ये टोमेटो केचप डालते हैं, आप चाहे तो चिली सॉस, रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। और ये 1 चम्मच विनीगर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम फुल कर लिया है, सब्जियों को कच्चा पक्का रखना है। और इसमें ये देगी लाल मिर्च डालते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, आप स्पाइसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं चिली। अरे 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा डालेंगे। स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स तैयार करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं और एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये पानी डाल के बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करना है। दो चमचा मैदा और 2 चमचा कॉर्नफ्लोर या फिर आरारोट भी डाल सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं पानी की तरह गिर रहा है, इस तरह के रखना है। अब एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से हीट किया है, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और पोंछ लेंगे ताकि जो पैन अच्छा चिकना हो जाए। इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे। पैन को मीडियम गर्म करना है और इस तरह से ये जो घोल को इस तरह से डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको उसी पैन में डाल देंगे। और पतली सी सीट तैयार करना है, जिस पतली रोटी होती है बिल्कुल पतली सी, उस तरह से बनाना है। जितना पतला आपका ये सीट तैयार होगा उतना अच्छा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होगा। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सिकने लग जाएगा, तो इस तरह से पैन को छोड़ने लग जाएगा, तभी हाथ से उठा लेंगे क्योंकि पैन गर्म होता है, तो ध्यान से उठाएं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो सीट है कितना पतला है। और इस तरह से परात या कोई भी प्लेट में रख सकते हैं, उसके बाद सूखा मैदा छिड़क देंगे ताकि सीट आपस में ना चिपके। इस तरह से रखते जाएंगे, पहले सीट्स को तैयार कर लेंगे, उसके बाद स्प्रिंग रोल बनाएंगे। फिर से उसी तरह से कर लेते हैं। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। ये आपने अभी पैन को छोड़ने लगेगा, आप देख सकते हैं आसानी से ये सीड्स बनके तैयार हो गया है।
अब फिर से उसे पतीले में 2 चम्मच मैदा लेते हैं, चिपकाने के लिए घोल तैयार करते हैं। सीड्स को चिपकाएंगे, इसको भी अच्छे से घोल लेते हैं। अब एक कटोरी में डाल लेते हैं इस तरह से। अभी सीड्स को लेते हैं और एक प्लेट में डालते हैं जो पतली रोटी बना रखी थी हमने। अब इसमें जो इसका जो मसाला रेडी किया था इसे डाल देते हैं। 2 चम्मच, ज़्यादा भरकर नहीं डालना है। अरे जो मैदा का घोल तैयार किया था उस लगा देते हैं और अच्छे से इसको चिपकाना है। अच्छी तरह से सील कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से मैदा का जो घोल बना रखा था उसको लगा लेंगे ताकि तलते समय खुले ना, इस तरह से चिपका लेना है और इस तरह से रोल कर लेना है। इस स्प्रिंग रोल खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से रोल कर लेंगे, अच्छे से चिपकाना है मैदा से। सभी को हमने रेडी कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से क्रिस्प होने तक। ऑयल मीडियम गर्म है और अच्छे से अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डबल फ्राई भी कर सकते हैं। एक बार फ्राई करने के बाद निकालने के बाद दोबारा से कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनकर तैयार होता है और अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्प्रिंग रोल खाने में बहुत ही टेस्टी होता है।